सावल में आपका वेलकम है। मैं डॉक्टर बिमल छाजेड़ आपको बताऊंगा, हार्ट की बीमारी में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी, और इसमें हार्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, दवाइयों के बारे में, ये सारी नॉलेज लोगों को देते हैं, और इससे करीब करीब लाखों लाखों लोगों को हम लोग हर दिन एजुकेट कर रहे हैं, और वो लोग हार्ट के बारे में समझ पा रहे हैं, उनके खाने के बारे में समझ पा रहे हैं। तो आज आपको हम बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज बताने वाले हैं वो है कि चिकन और मटन के अंदर फ़र्क क्या होता है। देखिए, लोगों के धारणा है कि सर चिकन तो खा सकते हैं, अच्छा डॉक्टर भी बोलते हैं चिकन खा लो। इनफैक्ट मेरा एक पेशेंट आके बोला, सर मैं तो कभी दोनों ही नहीं खाता था, हॉस्पिटल वालों ने पूछा चिकन खाओगे या मटन खाओगे, तो मैं बोला मालूम नहीं, दोनों अच्छी होंगे, मैं हॉस्पिटल में था बाईपास के लिए, तो हमने देखा भाई मालूम नहीं, ये लोग पूछ रहे हैं चिकन खाओगे मटन खाओगे, तो मैं बोला चलो दोनों ही हार्ट के लिए अच्छा होगा, तभी वो पूछ रहे हैं, तो मैंने तो दोनों खाना शुरू कर दिया। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा चिकन और मटन में फ़र्क कितना होता है। याद रखिए, चिकन में नेचुरली फैट थोड़ा कम होता है, चिकन में करीब करीब 3.6 ग्राम फैट होता है, मतलब ट्राइग्लिसराइड 3.6 होता है, पर कोलेस्ट्रॉल पूरी होती है कोलेस्ट्रॉल 95 मिलीग्राम। अगर एक दिन में हम 10 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल अलाउ करते हैं, तो करीब 10 दिन का अगर 100 ग्राम चिकन खा गए, 10 दिन का कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर चली गई। और मटन में तो इससे भी ज़्यादा, मटन में 138 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल है 100 ग्राम में, तो अगर आप एक बार मटन खा लिए तो करीब करीब 28 डेज का कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर चला गया, एक महीने का कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर चला गया। अच्छा, दोनों में फैट का डिफरेंस है, मटन में बहुत ज़्यादा फैट है, 13.3 ग्राम फैट है 100 ग्राम में, और अगर दोनों के अंदर प्रोटीन की बात देखें तो चिकन में ज़्यादा प्रोटीन है, इनफैक्ट मटन में 18 ग्राम प्रोटीन है और चिकन में 30 ग्राम प्रोटीन है। तो अगर हम चिकन और मटन को दोनों को कंपेयर करें तो प्रोटीन ज़्यादा है चिकन में, फैट ज़्यादा है मटन में, और फैट हमारा हार्ट के लिए ज़्यादा नुकसान करता है, पर कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से देखें तो दोनों ही हार्ट के लिए बहुत गड़बड़ करता है, दोनों ही ब्लॉकेज बनाने का और हार्ट अटैक की तरह हम लोग को लेके जाता है। याद रखिएगा, कोई भी एनिमल फूड हो उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा ही होगा। अगर आपको मैं पूछूँ रोटी में कितना है, दाल में कितना है, चावल में कितना, आँख मीच के बोल दीजिए जीरो कोलेस्ट्रॉल। क्यों? ये एनिमल फूड नहीं है, प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है, इनफैक्ट ऑयल में भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, बिकॉज ये एनिमल फूड नहीं है, ये प्लांट फूड है। तो ये बात आपके दिमाग में बैठाना होगा, हर एनिमल फूड में कोलेस्ट्रॉल होता है और वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। हमें कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई बाहर से बंद करना, बिकॉज ऑलरेडी अंदर जम चुकी है और ये और जमता जाएगा तो आगे जाके हार्ट अटैक होगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि जिसको कोलेस्ट्रॉल जम जम के हार्ट अटैक के कगार में बैठा हुआ, और उसको हम दे रहे हैं चिकन या मटन, दोनों ही ठीक नहीं है। पर अगर कोई बोलता है सर दो गुंडे हैं, एक ने 20 खून किया, एक ने 22 खून किया, कौन सा ठीक रहेगा? मैं बोला 20 वाला ही ठीक रहेगा अगर कंपेयर करोगे तो। चिकन मटन के अंदर चिकन हार्ट के तरफ से थोड़ा अच्छा है, पर प्रोटीन चिकन में ज़्यादा है, ये बात भी समझ लीजिएगा। तो इसलिए जो हम लोग बोलते हैं ना वाइट मीट चिकन को बोलते हैं, क्योंकि इसमें फैट थोड़ा कम है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कंपेरेटिवली कम है, और रेड मीट बोलते हैं मटन को, और बीफ वगैरह में तो और भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है और भी ज़्यादा फैट है। तो याद रखिएगा, कोई भी रेड मीट आप खाएंगे वो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, चिकन भी करेगा, और इनफैक्ट मछली में भी, अगर मछली को मैं दोनों के संग कंपेयर करूँ तो मछली में भी 3 ग्राम फैट है, 3.6 ग्राम फैट है चिकन में, मछली में है 3 ग्राम। कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से मछली में वैरी करता है 40 to 100, 40 मतलब 5 दिन का कोटा, 100 ग्राम फिश खा गए तो 5 दिन का कोलेस्ट्रॉल का कोटा हो गया, और अगर आप 100 वाला खाते हैं मछली, 100 मिलीग्राम वाला कोलेस्ट्रॉल वाला, तो उसमें आप 20 दिन का कोटा खा रहे हैं। तो मछली भी हार्ट के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। हाँ, प्रोटीन मछली में भी 20 ग्राम के आसपास होता है प्रोटीन, और चिकन में होता है 20 ग्राम और मटन में होता है 18 ग्राम। तो ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, तीनों ही हार्ट के लिए ठीक नहीं है, ना चिकन, ना मटन, ना फिश। पर तीनों के अंदर कंपेयर करते हैं तो एक नुकसान कर लेगा, मान लेते हैं 90, एक करेगा 85, एक करेगा 80, तो कौन सा नुकसान आपको ज़्यादा सूट करता है वो देख लीजिए। मेरे हिसाब से तो तीनों को ही छोड़ना पड़ेगा अगर आप हार्ट की केयर लेना चाहते हैं, अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हो। आज इंडिया में सबसे बड़ा किलर है हार्ट की बीमारी, और हर दिन मैं सुन रहा हूँ वो फलाना गया हार्ट अटैक से, फलाना गया, और सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, स्ट्रोक में भी यही सब कारण है।
जितने पैरालिसिस के पेशेंट है उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, उनके अंदर एक्स्ट्रा बीपी भी रहता है। तो ये बात आपको बड़ा ध्यान में रहे और इसको ध्यान रखिए, और तीनों ही चीज़ ठीक नहीं है, और चिकन मटन और बीफ फिश के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं, हार्ट के लिए बैंड ही रखना चाहिए तीनों को। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप गूगल में जाके सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, पर तीनों को कंपेयर करना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आपको समझ आएगा कि तीनों में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से। तो आप इन तीनों से दूर रहिए, वेजिटेरियन खाइए, और उसके साथ आप बहुत सारा फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए, दाल चावल 1000 रेसिपीज हमने बिना ऑयल का बना दिया वो खाइए आप, कितनी खाने की चीज़ें, ये कोई नहीं कि दो आइटम ही हमको खाना ज़रूरी है। तो ये बात याद रखिए, थैंक यू सो मच, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो, और लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।